सो गाइज गुड आफ्टरनून। ठीक है, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग 19300 हुई है। आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लेना, आप लोग को जो है लिंक मिलेगा ज़ीरोधा का, धन का, उस पर जाकर अकाउंट खुलाना और बहुत अच्छा आप लोगों को टेलीग्राम में जाकर एक बार ज्वाइन करना। आज हमने जो ट्रेड किया वो ये ट्रेड किया, मैंने आप लोग को साफ दिया था और मैंने यहीं पर ट्रेड दे दिया था। इसके पीछे का लॉजिक सुन लो। ठीक है, ये सारे लेवल कल के हैं, अगर आप लोगों ने कल के एनालिसिस नहीं देखी जाकर एक बार देख लेना। इस सारे लेवल करके मैंने बताया था कि मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकता है और यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज यहाँ पे बाइंग एरिया बहुत अच्छी दिख रही थी। ठीक है, मैंने बस सिंपल लॉजिक रखा और सिंपल लॉजिक पे ट्रेड दिया और बहुत अच्छा लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, तो और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो करीबन यहाँ पे 10 पॉइंट का था प्रीमियम पे। ठीक है, और टारगेट मेरा जो था 20 से 30 पॉइंट का था ऑप्शन पे। ठीक है, और जो कि बहुत अच्छा यहाँ तक गया, मार्केट ने बहुत अच्छा टारगेट दिया बट प्रीमियम उतने आज इंक्रीज नहीं हो रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं कल हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं, कल क्या चीज़ हो सकती है, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। गाइस कल का भी ध्यान से सुना, कल का भी डे जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा डे रहने वाला है ऑप्शन बायर के लिए, बट कोई कंडीशन होनी चाहिए, कुछ कंडीशन है जो कि हो जाएगी तभी बायर्स के लिए जो अच्छा डे होगा। देखो ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या सुनो गाइस, देखो कल के लिए जो मेरा जोन है ना, कल के लिए अगर आप लोग ये जोन देख रहे हो तो ये जोन मेरे लिए बहुत क्रूशियल लेवल है। इस जोन पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है मैं ये देखूंगा, लेकिन मैं अपसेट का ट्रेड तभी लूंगा जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करे, और डाउनसाइड का मैं ट्रेड तभी लूंगा जब मार्केट जो है इसके नीचे आ जाए। ठीक है, ये चीज़ें प्रॉपर ध्यान रखना, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता है। मैं एक बार लेवल आपको ड्रॉ कर देता हूँ, इसके ऊपर हम लोग अपसाइड का ट्रेड लेंगे, इसके नीचे हम लोग डाउनसाइड का ट्रेड लेंगे। इस बीच में मार्केट को आप लोग या तो स्कैल्प कर सकते हो छोटा मोटा, या फिर आप लोग जो है अभी देख सकते हो मार्केट को, बिकॉज आप लोगों ने इधर पैसा बनाया तो ये सब चीज़ों में आप लोगों को पैसा बचाना है। इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, इक्विटी का भी ट्रेड मैंने आज आप लोगों को टेलीग्राम पर दिया हुआ, जाकर देख सकते हो। मेरा क्या व्यू है वो सुन लो, अगर मार्केट जो है इस रेंज में खुलता है, इस रेंज में खुल के यहाँ से बाउंस लेके ऊपर ब्रेक करता है, तो मैं एक छोटा मोटा यहाँ तक का टारगेट ट्रेंड लाइन का देखूंगा, बट मैं अगर वन को में ट्रेंड लाइन ब्रेक करा बिल्कुल मैं नहीं घुसूंगा, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से डंप कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना मार्केट के लिए, ये जो ग्रीन लाइन है 19400 का लेवल, ये बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गाइस, मार्केट गैप डाउन अगर खुल जाता है और यहाँ से कोई सपोर्ट लेता है तो मैं एक अपसाइड का ट्रेड लूंगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा ये, सेकंड टारगेट रहेगा ये। ठीक है, बड़ा टारगेट मैं प्लान नहीं करूंगा जब तक मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करता है। और सबसे अच्छी कंडीशन बताऊँ, अगर कल के दिन में मार्केट इसमें रेंज बाउंड हो जाता है, इस रेंज में रेंज बाउंड हो जाके इसके यहाँ से रेंज बाउंड हो जाता है, और थर्सडे के दिन अगर ब्रेकआउट देगा तो बहुत जेन्युइन ब्रेकआउट होगा। 19450 के सारे कॉल सेलर जो है वो भागेंगे और बहुत अच्छा मूवमेंट होगा प्रीमियम में। तो मैं ये सोचता हूँ, ये मेरी व्यू है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी का ट्रेड। मैंने बता दिया आप लोग को इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे जो है आप लोग अगर ब्रेक करता है कंसोलिडेट करके अपसाइड का टारगेट लेना, ये लेवल रखना, ये लेवल बहुत क्रूशियल लेवल 19400 का। डाउनसाइड के लिए हम लोग इसके नीचे ही बैठेंगे और कुछ ऐसा प्रोजेक्शन मिलेगा तब। ठीक है, ध्यान रखना। चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आप लोग अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी का गाइस हम लोग का जो लेवल देख रहे हो कल का लेवल है, और बैंक निफ्टी में मुझे एक बहुत आज एक चीज़ दिखी जो कि बहुत लोगों को नहीं दिखी, क्योंकि मैंने कल जो आप लोगों को बताया था कि ये जो मेरा जोन है, ये दोनों जोन है, ये बहुत क्रूशियल जोन है, और जब तक मार्केट अगर इस रेंज, मैंने ये भी बताया था कंडीशन की मार्केट अगर इसी रेंज में खुल जाता है, इसी रेंज में खुल के कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा हम लोग को मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वही आज हुआ। ठीक है, मैंने ये जोन कल का जाकर वीडियो देख लेना कल की, तो इस तरीके से काम होता है मार्केट में। अब देखो कल क्या कर सकते हैं हम लोग वो सोचना। अब देखो हम लोग अब अगर एग्रेसिवली डाउनसाइड किसके नीचे बैठेंगे, 44350 के नीचे, 44350 के नीचे जब तक कैंडल नहीं आएगी तब तक हम लोग डाउनसाइड के लिए नहीं बैठेंगे। और याद रखना हम लोग अभी जो है अभी डाउनसाइड के तभी बैठेंगे जब इसके नीचे मार्केट क्लोज कर देगा। ठीक है, तो हम लोग जो है ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे और एग्रेसिव हो सकते हैं। अब देखो मेरा क्या व्यू है वो सुनना, मेरा व्यू है कि मार्केट अगर कल के दिन पे इसके फ्लैट रेंज में खुल के कंसोलिडेट करके टाइम बिता देता है कल के दिन पे, बहुत बेस्ट है। बट कल की जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो आप लोगों को वो भी ध्यान में रखना है और वो भी चीज़ें दिखती हैं कल के दिन पे अगर इस रेंज में खुल के, और अगर ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन तो आप लोग को जो है पहला टारगेट जो है 44993 का देखने को ईजिली मिल सकता है। ठीक है, 500 पॉइंट्स का टारगेट है, बड़ा टारगेट है, और प्रीमियम जो है डबल ट्रिपल आराम से हो जाएंगे फिन निफ्टी के। अगर देखो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ही इंडेक्स है तो आप लोग को जो दोनों ध्यान में रखना है कि दोनों आप लोग जो है कवर करो एक इंडेक्स से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैटर में रखनी है। और गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के यहाँ से तो मार्केट कभी सपोर्ट लेगा ही लेगा, क्योंकि ये जो बायर्स है ना इतना जल्दी डंप नहीं हो देंगे, एक बार तो सपोर्ट लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, आप लोग इस तरीके से प्लान कर सकते हो। टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आप जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस।